आप देख रहे हैं एवन मुशायरा मीडिया पर। अब मैं आप लोगों की पसमुर्दगी और की नाउमीदी, आप लोगों की मायूसी को दूर करते हुए इसी मदरसा तहजीबुल बनात के मैं आप लोगों को एक मुकालमा पेश करने जा रहा हूं, और जिसमें वो अपनी टीम के साथ आएंगे। मोहम्मद सलामत, मोहम्मद अबू बशर और मोहम्मद रेहान मुकालमा पेश करेंगे। मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि वो आए और मुकालमा पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अरे चाचा, ये गेटरी वेटरी लेकर कहाँ जा रहे हो? सब खैरियत तो है? बेटा गया था बाजार करने। अरे चाचा, इस उम्र में बाजार करने गए थे, क्या आपके बच्चे नहीं हैं? बच्चों का हाल तो ना पूछो, लड़का लड़की पोता पोती सब मिला कर 35 बच्चे हैं। मगर एक कहावत है, 100 पुत्राम की एक को गोना काम की, यही हमारा हाल है। तौबा तौबा, कैसे बच्चे हैं? क्या चाचा, क्या आप इसे तालीम नहीं दी? नहीं बेटा, हमने सोचा अगर ये हाफिज मौलवी बनेगा 2-3 हजार में किसी मस्जिद या मदरसा में नौकरी करेगा, 2-3 हजार में खुद क्या खाएगा और हम सबको क्या खिलाएगा, इसीलिए नहीं पढ़ाया। अरे चाचा, ये तो बड़ी गंदी सोच है। अंग्रेजी पढ़ेगा तो खिलाएगा और मौलवी बनेगा तो भूखा ही मरेगा। देखिए, एक मौलवी साहब आ रहे हैं, जरा उनसे मालूम करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मौलाना साहब, हम आपके मदरसे में पढ़ते हैं और यह चाचा कह रहे हैं कि मौलवी हाफिज 2-3 हजार में नौकरी करते हैं। यह चाचा कह रहे हैं कि हम क्या खाएंगे और बीवी बाल बच्चा को क्या खिलाएंगे। मौलाना साहब, आप जरा समझाइए। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। देखिए चाचा, ये सोच सिर्फ आपकी नहीं, अक्सर लोगों की यही सोच है कि हाफिज मौलवी खा कमा नहीं पाते। यह बहुत गंदी सोच है, जबकि खिलाने वाली जात तो सिर्फ अल्लाह की होती है। जो रोजी देता है, जो खिलाता है, जो पिलाता है। अगर रोजी का ताल्लुक डिग्रियों से होता तो अनपढ़ जाहिल लोग भूखे मर जाते। कहीं आपने देखा होगा हाफिज मौलवी भूखा मर रहा हो या खुदकुशी कर रहा हो? लेकिन ऐसा नहीं है। हर जगह अल्लाह पाक को इज्जत देते, बर खिलाफ करने वाले लोगों के बच्चे बीए पास बच्चे घूम रहे, उनको कोई नौकरी नहीं मिल रहा। क्या चाचा, ऐसा है कि नहीं? हाँ मौलवी साहब, आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है, मगर मेरे बेटे पोते मेरा कहना नहीं मानते, तो मैं क्या करूँ? सुनिए चाचा, अगर आपने उनको दीनी तालीम दी होती तो ऐसा हरगिज नहीं होता। वो आपका कहना मानते, आपकी खिदमत करते। मदरसों में भी यही पढ़ाया जाता है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा। आई बात समझ में चाचा? हाँ बाबू, कुछ कुछ समझ में आया। अच्छा चाचा, दीन के बारे में आपको मालूम है? हाँ, क्या तुम भी मुसलमान हो? तो बताइए, गुस्ल में कितने फर्ज हैं? गुस्ल में 10 फर्ज हैं। नंबर 1 पानी का होना, नंबर 2 मंजन बरस का होना, नंबर 3 तौलिया लुंगी का होना, नंबर 4 लोटा बाल्टी का होना, नंबर 5 कपड़ा उतार कर नल पर जाना, नंबर 6 सत्र छुपाने के लिए चड्डी का होना, नंबर 7 इस्तिंजा करना, नंबर 8 बैतुल खला जाना, नंबर 9 वजू करके जुमा की नमाज पढ़ना, नंबर 10 सबसे अहम बात ठंडी में गर्म पानी का होना। अगर ये सब चीजें नहीं पाई जाए तो गुस्ल नहीं होगी। अस्तग़फिरुल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। चाचा, गुस्ल में 10 फर्ज नहीं बल्कि 3 फर्ज है। नंबर 1 रोजा ना हो तो गड़गड़ा के साथ कुल्ली करना, नंबर 2 नाक के नरमी से तक पानी डालना, नंबर 3 पूरे बदन पे इतना पानी डालना कि एक बाल के बराबर सूखा ना रहे। बेटा ये तो बहुत कम गुस्ल के फराइज है, हम तो समझ रहे थे 10-20 होंगे। बेटा तू कहाँ से सीखा है?
अच्छा बेटा बताओ इतनी अच्छी तालीम कहाँ से हासिल की? क्या आपको नहीं मालूम मदरसा तहसीबुल बनात इस्लामिया मोहल्ला में एक इदारा चलता है, वहीं से सीखे हैं। अच्छा बताओ और उस मदरसे में क्या क्या पढ़ाते हैं? नूरानी कायदा की तालीम, तस्वीद की अदायगी के साथ साथ कुरान, उर्दू, अरबी, फारसी और बिहार मदरसा बोर्ड वस्तानिया फकानिया मौलवी की भी तैयारी कराई जाती है। अच्छा चलते हैं, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।